दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 40 एंड देन फाइंड देयर एचसीएम। हमें क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है किसका, 36 एंड 40 का, और फिर दिया क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है। तो हम देखेंगे एलसीएम, देखो किसका निकालना है मुझे, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। 36 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 2 18 2 8 36 2 18 36 और 20, फिर 2 9 या 10, फिर 2 ये 9 यहाँ 5, फिर 3 से 3 यहाँ 5 ही आएगा, फिर 3 1 और ये 5 आएगा, 5 1 जा 5। अब एलसीएम देखेंगे हम, एलसीएम 36 एंड 40 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 1 2 3, 3 बार 2 है, और फिर कितने, 3 इंटू 3 और इंटू 5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 24 3 जा 72, और इंटू 5 5 2 जा 10, और 5 7 जा कितना होता है, 35 35 36, 360। अब मुझे क्या निकाला, एचसीएम। तो एचसीएम हम शॉर्ट मेथड से निकालते हैं, एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नंबर्स अपॉन एल सी एम। प्रोडक्ट टू नंबर मतलब जो नंबर का हमने एस एफ निकालना है, कितना है, एस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 40 अपॉन एल सी एम, हमने अपने निकाला 360, 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, और एस एफ हमारा आ गया 4। ओके, तो एस एफ हमारा कितना आ गया, 4। देखो आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम, ठीक है, तो 36 अपॉन इंटू 40, ये प्रोडक्ट इन दो नंबर के निकालने था, प्रोडक्ट इंटू ये आपको काट देना और निकाल देना।